Hey guys, welcome back to new video of GTA 5. So guys, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे. सो यार, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यार क्या सीन है यार, हम लोग इधर अटके हुए. अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो यार आपको याद दिला दूँ, यार लास्ट एपिसोड में ना हम लोग ने बेनी के कुछ कार्स वगैरह भाई लाने गए थे लिबर्टी सिटी से, जो कि ना क्लाउड के ना भाई उसने चोरी किए थे, जो कि कार ना बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव और मॉडिफाई किया था और ना गोल्ड के थे. और वो कार को हमें लाना था और वहाँ पर हम लोग जाते हैं. फिर ना गाइस, हमें एक डगन का आदमी मिलता है और वो कहता है कि देखो डगन ने मुझे भेजा है और वो कह रहा है कि भाई हम लोग को मिल के काम करना होगा. और ये क्लाउड और एगल और ये एगल का छोटा भाई ना, आप जो सामने देख रहे हो, उसको ख़त्म करना होगा. सो गाइस यार, फिर हम ना वहाँ पर ख़तरनाक वाला फाइट वगैरह करते हैं. फिर गाइस मुझे कॉल आता है लॉस सैंटोस से कि यार भाई अपना जो गोल्ड माइन का ये है ना, जो कि पहले मार्टिन का था भाई, उस पर अटैक कर दिया है एगल के बंदों ने. फिर यार हम लोग आते हैं हमारी मॉन्स्टर सिक्योरिटी और ना ये अपना रेड स्कल गैंग के लीडर, उसके कुछ बंदे भाई वो भी आते हैं. बट जब ऐसे यहाँ पर इंटर करते हैं ना इस वाले एरिया में, और अचानक से गेट हो जाता है गाइस क्लोज, और फिर हम लोग इसको फोड़ने की ट्राई करते हैं. बट इधर ना भाई सब बॉम्ब वगैरह लगे, मतलब अगर हम फोड़ भी देते ना इसको तो भाई हम सब लोग मर जाते. सो यार ये अभी कह रहा है कि देख भाई तेरे पास जो भी गन वगैरह है ना भाई नीचे गिरा दे, अगर तुझे फाइट करना है तो कर भाई, वरना यहाँ के हर चीज़ एक गोली में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. तो यार हम लोग अभी ना फिलहाल बिल्कुल ही हो चुके हैं ट्रैप. यार अब समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है क्या नहीं. यार भाई साहब अभी ये कह रहा है कि गन वगैरह ना तुम फेंक दो, वरना ये जो भी सारे दिख रहे हैं ना भाई गैंग के बंदे मार देंगे. यार अगर गन फेंक देंगे तो हम मारे जाएंगे यार, मतलब क्या ही सीन है यार भाई साहब. भाई इतना गंदा वाला ट्रैप हो चुका हो ना. यार ये कह रहा है कि देख तू अभी भी मान नहीं रहा है, अभी हमको कुछ करना होगा. भाई यार अब क्या करें यार, टॉमी बोल रहा है यार मत करना भाई, गन वगैरह मत छोड़ना भाई. यार वो कह रहा है कि बंदों को मार देंगे भाई. यार टॉमी कह रहा है कि देख ये कहने दो, बट यार गाइस देखो गन वगैरह तो मेरे पास है, बट अब समझ नहीं आ रहा है कि यार देखो अगर हमने गन वगैरह छोड़ दिया ना तो भाई ये तो हमें मार ही देगा. और भाई ये देखो रेड स्कल, ये देखो इसकी ड्रेस किया जिसने दो गैंग के बंदों को मार भी दिया. यार ये कह रहा है कि अभी भी तेरे पास लास्ट टाइम है, वरना ये जो तुम्हारा गैंग का लीडर है और तुम लोग हो ना भाई, सबको यहाँ से उड़ा देंगे. मतलब यहाँ पे हर चीज़ ना भाई बॉम्ब वगैरह लगी है. और ये टॉमी का बच्चा सुन नहीं रहा भाई, इसको ना मारना पड़ेगा. यार भाई तू सुन ले यार, अभी तो सिगरेट पी रहा है यार, सिचुएशन देख यार, अभी तो कुछ सुन ले यार, मतलब देख लो यार अभी फ्रैंकली और ट्रेवर, मतलब ये लोग हमारे लिए लड़ने आए. और भाई मैं नहीं चाहता कि यार हमारे वजह से ना इनकी डेथ हो जाए. और इस आले को भाई पहले मारना पड़ेगा, थोड़ा समझाता हूँ. भाई सुन भाई, यार तुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब देख रहा हूँ मेरे से फाइट कर रहा है, कह रहा है कि देख अगर हमने गन छोड़ दी तो ये हमें मार देगा. भाई वैसे भी तो हम मरने ही वाले, तो गन छोड़ के देखते हैं ना, क्या पता हमें एक न्यू चांस मिल जाए. सो यार इसको थोड़ा पिटाई करनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा गाइस क्या सीन है और क्या नहीं है. भाई यार गन ना छोड़नी पड़ेगी यार, हमने सारे गन तो छोड़ दिए. भाई यार गन छोड़ दे भाई, मरेंगे तो. इसको मैं समझाता हूँ, फिर गाइस ना कुछ करते हैं यार, पता नहीं. ऑल राइट गाइस, अभी ना ये कह रहा है कि ठीक है यार, अभी इतना तू कह रहा है तो गन वगैरह छोड़ ही देते हैं. और ये कह रहे ये रेडी हो चुका है गन उतारने के लिए, मतलब जो भी इसके पास गन है ना भाई, हमने तो गन सारे वहाँ पे ड्रॉप कर दिए. और ये कह रहा है कि देख यार हम तो अभी सारे के सारे ना गंदा वाला ट्रैप हो चुके हैं यार, अब भाई जिंदा रह पाएंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, वो तो मारने वाला है हमें. यार गाइस अब ना कुछ समझ नहीं आ रहा, इसने गन वगैरह तो निकाल दिए इसके पास, जो भी गन वगैरह थे आप देख सकते हो. और हम लोग ने भी वहाँ पे ना भाई जो भी गन थे वो कर दिए. भाई अब तो जाने दे यार, मतलब ये छाने तो देगा नहीं हमें. भाई पिछली बार हमने इसको इतना मारा था और भाई पुलिस ने इसे उठा भी ले गई थी जबकि ये बेहोश था. अब पता नहीं गेट वगैरह ओपन करेगा, भाई बहुत ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा है. तो यार इसने गेट तो ओपन कर दिया है यार, अब क्या सीन है गाइस मुझे नहीं पता भाई, अब क्या करेगा भाई. भाई सबको जाने दो भाई, मुझे रहने दे भाई, क्योंकि ना ये सारी की सारी मतलब मेरा प्लान है ना भाई. पता नहीं यार ये बंदा डंडा लेके अंदर आ रहा है, इसकी भैंस की आग भाई. यार ये तो बेसबॉल बैट से मारने लगा है भाई, क्या सीन है भाई. इसलिए इस बंदे ने मेरे से भाई गन वगैरह निकाल के रख दी, मतलब इतना बड़ा फुद्दू इंसान है यार गाइस, क्या ही बोलूँ यार, ये तो पिटाई कर रहा है भाई. यार इसको मैं मारता हूँ, एक सेकंड, इसकी भैंस की आग भाई. यार गाइस मारूंगा तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी यार, मारना नहीं गाइस, समझ रहे हो गाइस, मार खाना है अभी, सिचुएशन को हैंडल करना है, समझ रहे हो यार. अगर मैंने कुछ ज़्यादा वगैरह कर दिया ना तो यार कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो भाई. मैं नहीं चाहता कि यार मेरे वजह से ना भाई
हमारे दोस्त लोग भी मरे यार, समझ सकते हो यार गाइस क्या ही सीन है। बिल्कुल ही ना यार गाइस, गंदा वाला सिचुएशन में फंस चुका हूँ यार। अभी भी मारे जा रहा है यार, माइकल को बिल्कुल ही बेहोश कर दिया यार गाइस, क्या ही बोलूँ यार गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई साहब, बिल्कुल ही ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भाई, माइकल को बेहोश कर दिया है यार गाइस। भाई बहुत ही गंदी वाली सिचुएशन में फंस चुका हूँ, पता नहीं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। और यार गाइस पता नहीं यार, ऑल राइट गाइस। अभी ना मैं उठा हूँ बेहोश होकर, मतलब लग रहा है इसने ना भाई सबको पीटा यार, क्या सीन है भाई साहब। इसको मैंने बोला था यार कुछ मत करना, और भाई सबको छोड़ दो और बस मुझे किडनैप करके रखो। भाई यार देख रहे हो मुझे चला भी नहीं जा रहा है, मतलब यार इसने पता नहीं कितना मारा है भाई साहब, भाई चला ही नहीं जा रहा है। और ये टॉमी वगैरह ना सब कुछ बेहोश हो चुके हैं यार, अभी ये बिल्कुल हंस रहा है, देख रहे हो यार क्या सीन है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई। और वहाँ पर अपना रेड स्कल गैंग का लीडर वो भी बैठा यार गाइस, उसको नहीं मारा हमें मारा यार, बिल्कुल यार ये तो चीटिंग है। बट यार कोई बात नहीं यार, अभी ना भाई साहब बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है गाइस क्या करना है क्या नहीं। और भाई साहब ये कह रहा है कि देख अपना मैंने सारा का सारा तेरे से बदला ले लिया, अभी और भी टॉर्चर करूँगा तेरे को। और कह रहा है कि यार देख अब तू बहुत गंदी मौत मरने वाला है, तूने जैसे मुझे मारा था ना बीच सड़क पे, मतलब शोरूम पे, वैसे मुझे पुलिस ने उठा ले गई थी, उसका बदला ले रहा हूँ भाई साहब। और ये कह रहा है कि पीछे देख अब ना तेरे पीछे गाइस कुछ होने वाला है, भाई अब क्या करने वाला है यार ये बंदा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कि अभी जब ना एगल आएगा, एगल मतलब इसका जो बड़ा भाई है ना, वो ही तेरे से हिसाब करेगा। अभी तो यार गाइस अब नहीं पता यार, ये कह रहा है कि पीछे देख, एंड पीछे कौन है भाई, कौन है पीछे यार पता नहीं यार गाइस। कह रहा है कि भाई ये तो मुझे क्लाउड है ना, इसकी भैंस की आँख भाई सर पे मार दिया, बेहोशी कर दिया है माइकल को यार, लोल हो चुका है गाइस। ऑल राइट गाइस, ये लोग ना मुझे पता नहीं फिर से बेहोश कर दिया, और भाई गाड़ी में ट्रक में बिठा, चल देख रहे हो भाई ट्रक में बिठा दिया, और पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं भाई साहब यार गाइस। और बाकी के अपने जो फ्रेंड है ना यार, माइकल ट्रेवर और रेड स्कल गैंग के लीडर और यार टॉमी गाइस यार, अब ना भाई साहब बिल्कुल यार इतनी गंदी वाली सिचुएशन हो चुकी है, अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते यार गाइस, मतलब इतना गंदा वाला ट्रैप हो चुका ना भाई। इनको मारूंगा तो यार अपने फ्रेंड वगैरह मरेंगे, इनको मारना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर मैं इनको मारूंगा तो यार अपने उधर फ्रेंड मारे जाएंगे यार। अभी क्या सीन है यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब गाइस पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं गाइस मुझे भाई, लोकेशन पे पता नहीं यार गाइस, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अब क्या होगा पता नहीं, अब कैसे करना है क्या करना है गाइस, कुछ भी नहीं यार, सब कुछ भाई हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है यार अब। सो ऑल राइट गाइस, यार इन्होंने ना मुझे पता नहीं यार कौन सी लोकेशन पे ले आए भाई, पट्टी वगैरह बांध के और रेड स्केल को भी इधर लाए भाई हर अलग अलग ट्रक में,
और ये बंदा कह रहा है कि देख तुझे ना मुझे मतलब मेरा एक काम करना होगा, तुझे पता है डगन बॉस के बारे में, मतलब डगन बॉस और तू दोस्त है भाई। यार भाई मैं उसको बोला कि यार डगन बॉस मेरा दोस्त नहीं है भाई, बस वो मुझे एक बार मिला था मतलब क्लाउड के घर पे अटैक करने के लिए, उसी टाइम हमारी मतलब वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, तूने उसके साथ हमारे क्लाउड के घर पे अटैक किया और सारे मॉडिफाइड कार चुरा लिए। तो भाई अब ना तू उसको मेरे पास ले आ, मतलब उसको ये मत बता कि यार हमने तुझे किडनैप किया है। मतलब यार ये कह रहा है कि तू डगन बॉस को धोखा दे दे। यार अभी तो मैं डगन बॉस का फ्रेंड बना हूँ, एक दिन भी नहीं हुआ है, और ये कह रहा है कि तू ना भाई डगन बॉस को इधर ले आ, वरना भाई मैं तेरे ट्रेवर और फ्रैंकलिन और सबको मार दूंगा। यार देख वो कह रहा है कि अब तुझे ही कुछ करना है, वरना मैं भाई रेड स्केल को मार दूंगा। भाई यार यार कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस, भाई बिल्कुल नहीं समझ नहीं आ रहा, इतनी गंदी वाली सिचुएशन में फंस चुका हूँ, अब डगन बॉस को बचाओ या किसको बचाओ यार गाइस। भाई ये कह रहा है कि अब तेरे ऊपर है, वरना भाई देख आगे का काम बहुत गंदा होने वाला है। भाई यार इस ना गाइस यार ये इसका छोटा भाई देख रहे हो, गन निकाल के खड़ा है भाई, इसकी हमने पिटाई की थी, ये बंदा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा है। भाई यार जाने दो यार, भाई तुमको बोल रहा हूँ यार, भाई डांस भी कर रहा है, वो कह रहा है कि हम ना अब तेरे मौत पे ऐसे ही नाचने वाले हैं, वरना तेरे फ्रेंड मरेंगे या तू मरेगा, या डगन बॉस को हमारे पास दे दे, सारे तेरे फ्रेंड छोड़ दूंगा। भाई गारंटी क्या है कि यार एस की आई ये देख रहे हो भाई, रेड स्कल गैंग तेरे को मार दिया यार। भाई 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 रुको 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 भाई मत मारो, भाई मार तो दिया यार, अब कह रहे कि अब फ्रैंकलिन और ट्रेवर की बारी है। भाई रुको रुको मैं कर दूंगा यार, मैं काम कर दूंगा, भाई मत मारना और किसी को मत मारना। भाई वो कह रहे हैं कि ट्रेवर फ्रैंकलिन और टॉमी और तेरे मोस्टर सिक्योरिटी भाई सबको ऐसे मारने वाला हूँ, अभी एक कॉल करके मतलब वहाँ पर ये वो लोग जस्ट ब्लास्ट कर देंगे एक गोली में। यार रुको भाई मैं करता हूँ यार, तुमने मारा क्यों यार गैस। भाई यार गैस यार हमने हमारा रेड स्कल गैंग के लीडर खो दिया, अब वो गैंग को कंट्रोल कौन करेगा भाई साहब। यार गैस बिल्कुल ही यार गंदा वाला स्कैम हो चुका है, और यार मेरे मतलब कपड़े भी उतार दिए, पैंट भी उतार दी, सारे पैसे वगैरह उतार दिया, बस मेरे फ़ोन में मतलब फ़ोन दिया है। भाई वो कह रहा है कि देख अब तुझे अपना काम करना है, और देख रहे हो कैसे नाच रहे भाई, क्या ही बोलो यार, लग रहा है सारे टिकटॉकर लग रहे हैं मुझे, भाई रील बना रहा है क्या भाई, मतलब डांस वगैरह कर रहे हैं भाई। गाइस सबसे गंदी वाली सिचुएशन में फंस चुका हूँ यार, अब ना पता नहीं क्या होने वाला है गाइस। अब मैं डगन बॉस को बुलाता हूँ, पता नहीं वो मेरे बात मानेगा कि नहीं, क्योंकि उसे भी लगता है कि मैं उसका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। पता नहीं यार डगन बॉस ने मेरी हेल्प क्यों की यार गाइस, बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आ रहा है गाइस। यार अभी इनकी भी दुश्मनी मतलब डगन बॉस से यार, मतलब ये कह रहे कि तूने और डगन बॉस ने मिलकर मार्टिन को मारा है, जबकि मार्टिन और डगन उसका ही फ्रेंड था यार, भाई हमारी कोई गलती नहीं है ना यार गाइस। चलो यार ये तो अब कुछ चांस मिलता है प्लानिंग वगैरह करूँगा। भाई देख रहे हो कैसे डांस कर रहे हैं भाई, चलो यार गाइस कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है कि अब ना तुझे अपना काम करना है, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं तेरे पास, एक दिन के अंदर नहीं किया तो सबको उड़ा देंगे यार। अब तो भाई मैं जाऊंगा कैसे यार, मेरे को ये कह रहा है कि देख तू ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा उधर। भाई ऑटोमेटिक कैसे पहुँचूंगा भाई, जादू वगैरह है कि इसकी भैंस की आँख भाई, स्टन गन से स्टन कर दिया भाई, क्या कर रहे हैं यार भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहे हैं गंदा वाला भाई, भाई साहब गंदा वाला गाइस कैम हो चुका है यार, मतलब देख रहे हो यार गाइस, भाई पूरा स्टन कर दिया यार, अभी बेहोश कर दिया फिर से यार, पता नहीं यार क्या गंदा वाला गेम खेल रहा है ये बंदा मेरे साथ में, बिल्कुल यार गंदा वाला गाइस। ऑलराइट गाइस यार यहाँ पर ना सालों ने मुझे मार के यार मतलब यहाँ पे छोड़ दिया भाई, यार ये क्या सीन है, अभी मैं उठा ना भाई यार 3-4 बार बेहोश कर दिया मुझे यार आज तो भाई यार, मतलब इतना गंदी वाली बेइज्जती हो रही है ना भाई, क्या ही बोलूँ यार। कोई ना यार गाइस अब उसने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया है, और कह रहा है कि यार भाई ये देख रहे हो एक बाइक वगैरह, एक सेकंड किसका कॉल आ रहा है भाई, उसी का कॉल है भाई, फटाफट से बात करते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑलराइट गाइस यहाँ पे ना अभी उससे बातचीत हुई, और ये कह रहा है कि 24 घंटे में ना भाई तेरे भी मतलब बाइक वगैरह छोड़िए भाई, जो करना है फटाफट से कर, वरना 24 घंटे में ना भाई तुझे याद दिला रहा हूँ,
हाँ यार गाइस, बहुत ज्यादा ही गंदी वाली सिचुएशन में फंस चुका हूँ यार। अब डगन बॉस को इधर कैसे भी करके लाना होगा यार। मतलब अभी हम लोग कली दोस्त बने और भाई अब वो कह रहे हैं कि देख, अगर तू डगन बॉस को नहीं लाएगा, मतलब यार दुश्मनी गाइस, भाई तू खुद से पकड़ के ला लेना। मतलब यार गाइस चलो अच्छी बात है, अगर डगन बॉस से हमने कल नहीं मिले होते ना भाई, आज तो हम मारे जाते हैं। बट अभी मैं कुछ प्लानिंग वगैरह करता हूँ और कुछ कपड़े वगैरह पहन लेता हूँ, क्योंकि ना अगर नंगा घूमूंगा ना भाई गंदी वाली बेइज्जती होने वाली भाई। सो ऑल राइट गाइस, यार फाइनली हम लोग ना भाई आ चुके थे, आ चुका हूँ इधर। और अपनी यहाँ पे RSVP सिक्योरिटी रेडी है यार, बट इन्हें मैं कैसे बोलूँ कि यार अपने साथ क्या क्या सीन हुआ है यार। अभी इनको बोल भी नहीं सकता ना, क्योंकि अगर इनको बोल दिया तो यार ये लोग क्या पता अटैक वगैरह कर दे। और मैं नहीं चाहता कि यार वहाँ पे अपने जो फ्रेंड्स है ना भाई, वो सारे के सारे मतलब मर जाएंगे भाई। यार हमारे हैकर लोग और जो भी है ना भाई, ये लोग भाई इंतज़ार कर रहे थे। आई थिंक मैं इतने मतलब रात से घर नहीं आया ना, आई थिंक लग रहा है ना ये लोग वही कुछ मेरे को क्वेश्चन ना पूछे यार, गाइस समझ रहे हो यार, वरना प्रॉब्लम हो जाएंगी भाई साहब गंदी वाली। और यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ अपने हैकर लोग भी है और जो NSG का कमांडर है वो भी, और अपना जो पेट है ना भाई पर्ल मतलब कैटी भाई, वो भी इधर है भाई। मैं कल से रात से घर नहीं एक्सक्यूज आया ना मी, भाई, ये लोग भाई कह रहे हैं कि यार ये छड्डी बने में क्या कर रहे हो यार, इन्हें कैसे बताओ कि अपने साथ गंदा वाला हादसा हो चुका है भाई। यार चलो इनको बताना ही पड़ेगा यार गैस, मैं इनको बोलता हूँ किसी को बताना मत अपने साथ गंदा वाला कांड हुआ है गैस, क्या हुआ है गैस, तो फटाफट से इनको बताता हूँ। और फिर ना गैस कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ यार गैस, ठीक है यार चलो। सो ऑल राइट गैस, यार चलो फटाफट से इनको मैंने सारी चीज़ बता दी है, और फटाफट से अभी कपड़े वगैरह पहनने होंगे। यार पहले तो यार गैस फटाफट से स्विमिंग पूल में ना भाई जंप वगैरह करता हूँ, क्योंकि यार भाई साहब बहुत गंदी वाली पिटाई हुई है यार। मतलब क्या ही बोलूँ यार गैस, पहले ना भाई स्विमिंग पूल में थोड़ा सा जंप वगैरह कर लेता हूँ, फिर गैस कपड़े बदलता हूँ भाई, फिर ना गैस फिर गैस निकलते अपन लोग भाई लिबर्टी सिटी। और गैस डगन बॉस का वैसे फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन उठा नहीं रहा यार। सो चलो यार अभी फटाफट से कपड़े बदलने के बाद ही मिलता हूँ। ऑल राइट गाइज, यार फाइनली हम लोग ने यार कपड़े वगैरह बदल दिए, नहा लिया है, और यहाँ पर गाइज ये लोग वेट कर रहे हैं मेरा, यानी कह रहे हैं कि यार कुछ प्लानिंग वगैरह करते हैं। भाई क्या प्लानिंग करोगे यार, अपने फ्रेंड्स वगैरह उधर मतलब किडनैप है यार गाइज, ठीक है यार अभी क्या ही बोलो यार कि भाई प्लानिंग तो इसने की है गाइज, बट भाई वो कह रहे हैं कि अगर हमने अटैक वगैरह किया, कुछ गलती वगैरह होती है भाई, अपने सारे फ्रेंड एक गोली मतलब ख़त्म हो जाएगा। ऑल राइट गाइज, ये लोग ना भाई, मैं कुछ देर वेट ही किया, और यहाँ पे लमार भी आया है भाई, फ्रैंकलिन कह रहा है कि यार अभी तक घर नहीं आया, और मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया था भाई, क्या हादसा हुआ है क्या नहीं हुआ है गाइस। तो यार ये लोग भाई कुछ ज़्यादा ही उदास है, और मैंने इन्हें ये भी बता दिया कि यार तुम्हारा जो गैंग का लीडर है ना भाई, वो मर चुका है, और ये बंदा रो रहा है, कह रहा है कि अब हमारी गैंग को कंट्रोल कौन करेगा भाई। अब यार मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैंने तो नहीं मारा ना उसे यार अपनी गाइस, क्या ही मतलब गैंग की मतलब लीडर ही मर चुका है, अब इन्हें कंट्रोल कौन करेगा यार। वो कह रहे हैं कि यार बहुत गंदा हुआ है भाई, गंदा तो हुआ है अभी और भी गंदा हो सकता है यार। मतलब अपने जो जिगरी यार है ना भाई, ट्रेवर और फ्रैंकलिन और टॉमी भाई, इनकी जान खतरे में। और ये देखो मैंने जो लिबर्टी सिटी से लाई थी ना क्लाउड से भाई, एक कार चुरा के भाई वो इधर ला के रखी है, अब ये भी वापस करनी होगी। बट अभी इसकी बाइक दी तो यही बाइक पे जाता हूँ एयरपोर्ट, और पता नहीं यार गाइस बहुत गंदी वाली हरकत हो चुकी है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ 1000 लाइक कर दो इस वीडियो पे, और वीडियो को पूरा वॉच करना, और भाई बढ़िया सा कमेंट करना अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो। सो यार गाइस लिख दो, गाइस क्या लिख दो, गाइस लॉस्ट लिख दो, LOST, तो मुझे समझ आएगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। सो गाइस यार अभी ना हमको जाना होगा भाई एयरपोर्ट पे, और पता करते क्या सीन वगैरह है। और गाइस डगर बॉस को मनाते हैं भाई, पता नहीं वो मेरी बात मानेगा कि नहीं भाई, 24 घंटे में लाना है उसे। सो चलो यार फटाफट से ना चलते हैं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर ना मैं आ चुका था, बट गाइस मुझे ना अभी बेनी का कॉल आया भाई, कह रहे कि तुम जा रहे हो तो भाई मेरा मतलब जो मॉडिफिकेशन करवाई थी ना तेरी, मतलब हमने जो उसे मॉडिफिकेशन करवाने के लिए कार दी थी, आपको याद है लॉस्ट गैंग की एक वो थी ना भाई, हमने जहाँ पर अटैक किया तो उनकी एक भाई स्पोर्ट कार थी, मतलब मस्टैंग GT भाई, उसको भाई यही लग रही है भाई, इसने कलर वगैरह भी चेंज कर दिया है भाई। कहा गया बेरी को पहले मिलते यार, फिर ही कुछ करते गाइस, ठीक है ना। और भाई क्या इसने पूरा डिज़ाइन ही चेंज कर दिया भाई, देख रहे हो
भाई यार गाइस, मतलब ये कार पहले कैसी थी अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा ना भाई, आपको समझ आएगा भाई। इसने टायर वायर सब कुछ चेंज कर दिए और पीछे कुछ चीज ऐड किए भाई साहब। बेनी यार बहुत बढ़िया किया यार, कार को तो एकदम भाई चेंज ही कर दिया है भाई। आप लोग ही बताओ क्या क्या चेंजेस किए इसने भाई। कलर तो चेंज किया, अंदर का थोड़ा इंटीरियर चेंज किया आई थिंक, पता नहीं, बट ऊपर का समझ आ रहा है भाई। टायर वगैरह देखो, डॉलर वगैरह ऐड किया, और इसने नंबर प्लेट गायब कर दी, क्योंकि अभी नंबर प्लेट गाइस आपको ना याद है भाई, उस पर ना लॉस गैंग और लॉस का ही मतलब उसका ही नंबर प्लेट लगी थी। तो ये कह रहा है कि तुम लोग ना भाई तुम जाके कर दो रजिस्ट्रेशन वगैरह, मतलब प्लेट वगैरह लगवा दो अपनी भाई। कैचा भाई यार, भाई पूरा ही चेंज कर दिया है, मतलब पूरा ही चेंज कर दिया है गाइस, क्या ही बोलूं भाई, एकदम बढ़िया भाई, एकदम ना बढ़िया लग रही है भाई, क्या ही शाइन कर रही है कसम से। इसको ये कह रहा है कि इसमें एक बटन भी ऐड किया, रेड बटन, तुम उसको दबाओगे ना भाई ये कार उड़ने लगेगी। भाई साहब ये कौन सा रेड बटन है भाई? आई थिंक इसके ग्रेक वगैरह आए, मतलब कस्टमर वगैरह आए, पता नहीं, चलो भाई देखते हैं भाई कौन सा कस्टमर है भाई, क्या ही करता है भाई, पता नहीं गाइस क्या सीन है भाई। भाई लग नहीं रहा ये कस्टमर है भाई, ये इसका छठी बनियान में आया भाई, पता नहीं क्या सीन है। एक सेकंड भाई, गन क्यों निकाल रहा है? हेलो क्या हो गया बेनी, ये कौन है भाई? भाई ये कह रहा है कि भाई हफ्ता निकाल वरना भाई पेल दूंगा यहाँ पे। भाई क्या समझ रहा है भाई इधर, मतलब कोई भी आ रहा है लूट रहा है बेचारे बेनी को, पहले क्लाउड आ गया, मतलब हमारी दुश्मनी इसको भाई। अब ये कह रहा है कि भाई तू भी निकल हफ्ता, भाई इसकी भैंस की आग जाने दे, भैंस की आग चल निकल। भाई यार ये लोग क्या है भाई, मतलब इनकी औकात नहीं भाई। अच्छा हो मैं इधर था वरना सारा बड़ा वाला मैटर हो जाता भाई। एक सेकंड और भी है क्या? इसकी भैंस की आग, एक सेकंड भाई छुप के बैठा है भाई, और छुप जा भाई, और छुप ले, कोई बात नहीं, तेरी तो भाई नानी याद दिलाता हूँ साला। भाई हफ्ता मांगेंगे भाई, ये लोकल गुंडे यार, कोई बात नहीं। और भाई बेनी देख रहे हो, बेनी का कॉन्फिडेंस देखो भाई, भाई गन वगैरह कुछ नहीं जा रहा है भाई, जियान की तरह मारने भाई यार आराम से भाई, एक गोली लग गई ना भाई पूरे साल भर हॉस्पिटल बैठेगा भाई। भाई देख रहे हो इसका कॉन्फिडेंस भाई, जब मैं होता हूँ ना तो भाई ये बंदा शेर बन जाता है, जब मैं होता तो भाई मार खाता। आपने पिछले वीडियो में देखा भाई, दो बंदों से मार खा रहा था भाई, और अब देख रहे हो पूरे फायरिंग वाले मतलब एक्शन में आ गया भाई, मरे बात मार रहा है यार बेनी। यार तू तो बिल्कुल जियान निकला यार, चलो कोई बात नहीं भाई, क्या ही सीन है। चलो अभी कार का टेस्ट लेते हैं और देखते हैं भाई कार वगैरह कैसी है। अभी फटाफट से बाहर निकाल लाऊंगा भाई, फटाफट से बाहर निकाल दे मेरी कार, सब कुछ ना भाई टाइम वगैरह लगेगा। सो ऑल राइट गाइस, यार अभी कार वगैरह हमने निकाल दिया है, और इसमें का रेड बटन दबा के देखते हैं भाई। भाई क्या ही ड्रिफ्ट मार रही है यार गाइस, भाई क्या ही बना दिया कार को यार। पहले इसकी स्पीड 200 टच नहीं कर रही थी, अब पता नहीं कितनी स्पीड टच करती है, आई थिंक आज देखना होगा। बस यार स्पीड मतलब ट्रैफिक वगैरह कम हो भाई साहब। भाई क्या ही कर दिया इसने गाइस, देखो यार क्या ही मतलब कंट्रोलिंग है यार। अभी तो मुझे इसमें ना भाई सीखना होगा भाई, ये देखो यार बिल्कुल ही खतरनाक वाली स्विफ्ट 360 वाली। सो चलो अभी इसकी स्पीड वगैरह चेक करते भाई। भाई जस्ट एक्सेलरेशन दे रहा हूँ ना भाई, कहाँ टच कर रही, देखो एक सेकंड में भाई कहाँ टच हो रहा है गाइस। चलो इसका ना भी चेक वगैरह करते भाई, क्या ही मॉडिफिकेशन कर रहा है, मुझे बस कंट्रोल करना आना चाहिए भाई। 100 की स्पीड तो यूँ पार कर रही है भाई, देख रहे हो भाई, कसम से यार क्या ही पार कर रही है ना भाई, एकदम ही यार गाइस खतर गजब तरीके से भाई बिल्कुल ही। अभी चलो यार फटाफट से ना और भी टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर गाइस समझ आएगा गाइस क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी देख रहे हो भाई सब 200 टच कर लिया था क्या? वैसे अभी ना यार गाइस यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बहुत है, अभी टाइम मिलने पे ना अभी हम लोग करेंगे, अभी तो हमारे पास टाइम वगैरह कुछ भी नहीं गाइस, समझ रहे, अभी हमारे पास 24 घंटे हैं अभी तो। यार चलो यार इसके टेस्टिंग वगैरह 200 तो पार कर ही देगी, ये कह रहे कि मैंने टेस्ट वगैरह किया था भाई, 300 तक जा रही है, मतलब समझ रहे, तो अभी भी 300, अभी 200 भाई, 250 भाई, 200, अरे यार इसकी भैंस की आग, ये कह रहा है कि 300 के पार जाएंगी, 400 भी जाएंगी। शहर इसने क्या ही कर दिया, रेड बटन दबाते ही गाइस भाई आग लग जा रही है कसम से यार। भाई मेरी बहुत सही काम किया यार तूने तो यार, अपना मेरे पास टाइम नहीं वगैरह, इसमें हम लोग रेस वगैरह करेंगे, अगर आप लोग चाहते हो इसकी रेसिंग वगैरह कराएं हम लोग, सो यार चैट पे रेसिंग ओपी लिख दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रेसिंग वगैरह कुछ ऐड कर दूंगा, आप लोग बताना इससे रेसिंग वगैरह करेगी नहीं भाई, बहुत गंद खतरनाक वाली कार बनाई है यार। चलो अभी ना फटाफट से अभी बेनी के मतलब इसको रख देते हैं भाई, बेनी ये कार ना तेरे पास ही रख दिया, अभी ना हमारे पास टाइम वगैरह कुछ भी नहीं, मैं फिर से वापस जाऊँ, अभी बहुत दूर है अपना घर,
और मुझे अभी एयरपोर्ट पे निकलना है, कुछ ज़रूरी काम से। अभी तेरे को बताना तो नहीं चाहता हूँ, बट जाने दे यार। अभी शाहिब इसको बोल के क्या ही करेंगे। ठीक है ना यार भाई साहब, स्पीड देखो यार, कसम से यार। अबे यार कार तो बिल्कुल ही गाइस ये हो चुकी है। तो भाई बेन ये काम करिए कार को फिर से भाई, अच्छा कर दे, कलर वगैरह मार दे यार, स्क्रैच वगैरह आ गया इसमें भाई, कुछ ज़्यादा ही गाड़ी ठोक दी यार। अभी नई नई गाड़ी बनाई है, और यार क्या ही बोले यार, अपन गाइस अभी क्या ही करें भाई। माइकल जब गाड़ी चलाता है ना कुछ पंगा हो ही जाता है। वैसे भी अभी इसमें हमको सीखना होगा भाई, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा हूँ तो भाई टेस्टिंग वगैरह तो ऐसा तो होने वाला है। कोई बात नहीं, ये कह रहा कि अभी एक दिन और लगेगा भाई। चल यार भाई जितना पैसा लगेगा ले ले, तेरा बिजनेस तो भाई मेरे पैसों से चल रहा है भाई। वे कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा तेरे से ज़्यादा अमीर लोग आते हैं यार। चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं यार, फटाफट से बाइक उठाते हैं और भाई एयरपोर्ट के उधर निकलते हैं यार। ठीक है ना गाइस, अभी यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी आधा घंटा तो यहाँ पे चला गया अपना। अब फटाफट से भाई एयरपोर्ट की ओर निकलना है, और बहुत ज़्यादा है हमको गाइस अभी गंदी वाली से। ऑल राइट गाइस, सो फाइनली इधर हम लोग आ चुके थे एयरपोर्ट की ओर, एंड यार भी यहाँ पर ना गाइस अपने को निकलना है सीधा लिबर्टी सिटी। यार आई होप कि लिबर्टी सिटी का वेदर अच्छा हो और डग्गर बॉस अवेलेबल हो यार, क्योंकि डग्गर बॉस बहुत ज़्यादा है भाई, अंडरग्राउंड रहता है, ऐसे उससे मिलना मुश्किल नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। कैसे पता नहीं यार वो बंदा मेरी बात मानेगा कि नहीं, उसे लगेगा कि मैं उसे मारने के लिए आया हूँ, समझ रहे हो गाइस। ऐसा ना हो कि वो मुझे ही मार दे वहाँ पर गाइस, समझ रहे हो यार। अभी वहाँ पर जाके पता चलेगा, मतलब जस्ट कल ही हम लोग उसके दोस्त बने हैं और भाई ये अपना फ्रेंड बन चुका है यार, पायलट भाई। अरे पायलट कैसे हो यार, मुझे ना चलो यार इसको तो पता ही है भाई, आज ना मुझे फिर से लिबर्टी सिटी ले चलो। ये कह रहा है कि आज तो मैं बिजी हूँ, तुम कौन सा भी एक मेरा प्लेन वगैरह ले जाओ यार। भाई चलो यार, तुम बढ़िया चलाते हो फास्ट वगैरह भाई, बहुत बढ़िया चलाता है ये प्लेन, बट ये कह रहा है कि आज मैं बिजी हूँ, तुम कौन सा भी प्लेन वगैरह चला लो यार। अब ना एक काम करते हैं, कौन सा प्लेन वगैरह चूज़ करते हैं भाई, ये कुछ चट्टी लग रहा है, एंड भाई ये भी मेरे को बढ़िया नहीं लग रहा है, एक सेकेंड, ये भी इतना खास नहीं है भाई। भाई फालतू का एक्सीडेंट वगैरह हो गया ना प्रॉब्लम हो जाएगी, बट अपने को भाई ये प्लान की आदत हो चुकी है, तो एक काम करते हैं मैं ना। हाँ ठीक है, ये वाला बढ़िया लग रहा है, फास्ट भी है और ज़्यादा स्टाइलिश वगैरह नहीं है, सस्ता भी है, तो चलो यार यही वाला लेके जाते हैं, वरना दूसरा चलाएंगे भाई, टाइम वगैरह अपने पास है नहीं। ठीक है ना भाई, टेस्टिंग वगैरह बाद में करेंगे। सो चलो यार, इसका अपने को आदत है चलाने की, तो चलो फटाफट से इसको चलाते हैं। और वैसे अभी यार मतलब भाई टाइम भी नहीं है भाई, 2 घंटे 4 घंटे ना पहले निकल चुके हैं, अभी अपने पास सिर्फ 18 या 20 घंटे बजे हैं, और अब देखो अभी निकल रहा है, अभी टाइम भी लगता है लिबर्टी सिटी जाने में भाई, 4 या 5 घंटे निकल जाएंगे, समझ रहे हो। सो चलो यार फटाफट से ना भाई लिबर्टी सिटी की ओर निकलते हैं। और गाइस भाई यार बस टग्गर बॉस मेरी बात मान जाए और लिबर्टी सिटी आ जाए, और फिर ना गाइस हम लोग पता नहीं यार क्या सीन है। अभी टग्गर बॉस तो यार मरेगा या नहीं मुझे नहीं पता। चलो यार फटाफट से लोकेशन की ओर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं लिबर्टी सिटी। यार गाइस बस मुझे ना यार डग्गर बॉस को कैसे भी करके मनाना है, और यार उसे लेना है लिबर्टी सिटी यार, पता नहीं वो मानेगा कि नहीं यार। उसे लगेगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि यार हम लोग कल ही दोस्त बने यार, पता है कितनी गंदी वाली दुश्मनी की हमने उससे। अब यार गाइस वो कह रहा है अगर नहीं मानाना यार गाइस, बस यार फिर समझो कि यार भाई स्टोरी ख़त्म है भाई, मैं तो बच जाऊँगा अगर 24 घंटे के अंदर भाई फ्रैंकलिन, ट्रेवर और टॉमी गाइस मरने वाले, अगर इधर ना गाइस डग्गर बॉस नहीं आया ना मेरे साथ भाई, गारंटी नहीं अगर मैं डग्गर बॉस को भी वहाँ पे ले जाऊँ। और गाइस समझ रहे हो, मतलब अगर मैं भी उसे ले जाऊँगा, अगर उसने डग्गर बॉस को भी मार दिया और मुझे भी मार दिया, सबको मार दिया, तो यार गाइस बट यार अब कर भी तो क्या सकते हैं, अगर गाइस मरना है तो और थोड़ा जीना तो होगा। बट चलो यार अभी यहाँ पर मुझे कार दिख रही है, कोई तो दिख नहीं रहा भाई, इतनी गंदी सिचुएशन में फंस चुका हूँ ना भाई, अब इससे कैसे हैंडल करूँ। मतलब यहाँ पे पावर का कुछ काम ही नहीं आने वाला है, मतलब अपने पास इतनी ज़्यादा पावरफुल आर्मी तो है, बट गाइस अब ना यार ये बंदा पूरा माइंड गेम खेल दिया, मतलब ट्रैप कर दिया यार, समझ ही सकती हूँ। तो अपने पास अभी इतना पावरफुल हर चीज़ है गाइस, मारना है तो कोई बात नहीं मार देंगे, बट भाई मारेंगे तो अपने भी लोग मरेंगे, मतलब वो तो तय है भाई, मतलब क्या ही कहे। अब सिचुएशन बहुत गंदी हो चुकी है, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार गाइस लिबर्टी सिटी ओपी लिख दो, तो मुझे समझ आएगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और भाई
बढ़िया सा कमेंट जरूर करना और लाइक भी जरूर करना यार। आप लोग लाइक करते नहीं हो और प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करना अगर आप मेरे वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। बढ़िया वाले ऐसे ही बढ़िया वाले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको इस वीडियोज आते रहेंगे। सो यार अभी ना चलो यार फटाफट से लिबर्टी सिटी यार में से बहुत बढ़िया लग रही है, किस किस ने खेला है लिबर्टी सिटी जरूर बताना मुझे। सो चलो यार फटाफट से लिबर्टी सिटी तो आ चुके हैं और यार बढ़िया लग रही है। वैसे भी आज का मौसम बढ़िया है वरना पिछले टाइम आई थिंक बारिश हो रही थी क्या। चलो कोई बात नहीं फटाफट से ना भाई चलते हैं भाई डग्गर बॉस के एरिया पे जहाँ पर वो उसका घर बन रहा है ना भाई वहाँ पर। ऑल राइट गाइस फाइनली गाइस हम लोग आ चुके थे भाई जहाँ पर ना डग्गर बॉस का घर बन रहा है, पता नहीं गाइस जो भी बन रहा है यार अभी ना वहाँ पर होना चाहिए क्योंकि पिछले टाइम में जब मिला था ना भाई वो यहाँ पर ही कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे था जहाँ पर उसका, ठीक है। सो यार अब पता नहीं होना चाहिए कि नहीं अभी उसका ना भाई बहुत सारे गाइस अंडरग्राउंड प्लेसेस है मतलब लिबर्टी सिटी, वाई सिटी और यार लॉस सैंटोस पे। तो अभी यार पता नहीं उसका लिबर्टी सिटी में और कहाँ पर ये रहता है और इसकी यहाँ पे SPG सिक्योरिटी भी यहाँ पर लगी हुई है। सो चलो डायरेक्ट गाड़ी के अंदर लेता हूँ विदाउट कोई टाइम पास किया अभी ना भाई अपने पास टाइम अपने पास बिल्कुल भी नहीं है। सो चलो यार अभी ना गाइस देख रहे हो खतरनाक वाला इसका घर बन रहा है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है इसकी लिबर्टी सिटी में। और भाई साहब ठीक है यार कोई बात नहीं अभी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है भाई, कहाँ गया डग्गर बॉस दिख नहीं रहा मुझे यार। इसी से पूछता हूँ इसका कोई ये ना भाई सब जो भी असिस्टेंट एंड इससे बातचीत करते हैं। पता नहीं यार ये क्या कर रहा है, इधर तो कोई भी नहीं दिख रहा है भाई और इतना बड़ा वाला यहाँ पे पता नहीं क्या बना रहा है ये। सो यार अभी गाइस इससे ना बातचीत वगैरह मैंने कर दी है और ये कह रहा है कि भाई फ़ोन करके पूछ लो भाई, इसे भी नहीं पता यार चलो फ़ोन करते हैं। ऑल राइट गाइस मैंने बातचीत कर दी डग्गर बॉस से और वो कह रहा है कि मेरे आदमी को लोकेशन पता है उसको ले आओ। वैसे मैं फ़ोन पर तो बोलने वाला हूँ नहीं भाई यार, क्या भाई ये बंदा पता नहीं इतनी सिक्योरिटी टाइट करके बैठा भाई कुछ बता भी नहीं रहा भाई, कह रहा है कि मेरा बंदा आपको बता देगा भाई। अच्छा हुआ इसने मुझे मारा पिटा ने मतलब लोकेशन पता ना करे इसलिए ब्यूश वगैरह नहीं किया यार। अभी डग्गर बॉस पता नहीं ये बंदा गेम खेल रहा है क्या कर रहा है मतलब मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है ये मतलब दुश्मन से मेरा दोस्त बन गया सिर्फ क्लाउड के बच्चों को हराने में, मतलब पता नहीं यार। चलो यार फटाफट से ना भाई चलते हैं। ऑल राइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं लोकेशन की ओर पर और भाई साहब इधर ना ये बंदा गोल्फ खेल रहा है भाई प्राइवेट कुछ आर मतलब इसका डील चल रही है पता नहीं गाइस किसी से। और ठीक है यार भाई साहब पता नहीं क्या डील विल कर रहा है और भाई गाड़ी कहाँ पार्क करनी है वो तो बता दे मुझे क्या पता। अच्छा यहाँ पर जाना है अपने को भाई, ये गोल्फ नेट है यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं और ये भी इधर गोल्फ वगैरह खेल रहा है। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है क्या, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं क्या? वैसे ये कह रहा है कि पार्क अलाउड नहीं है बट चलो तुम कर दो भाई, इधर डग्गर का बहुत ज़्यादा ही नाम चलता है तो कह देंगे डग्गर की कार है। सो भाई यार गाइस इधर कार पार्क कर दिए। ऑल राइट चलो यार फटाफट से चल यार उतर गया क्या भाई, दिख ही नहीं रहा ब्लैक टी शर्ट पहना है बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रहा है यार ये बंदा इधर गोल्फ खेल रहा है बस यार इसको मैं कैसे भी करके भाई यार गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा इसे बता देता हूँ। अब भाई मुझे नहीं पता अभी क्या करूँ, इसे सच बताऊँ या झूठ बोल के धोखा दे दूँ। बेचारा डग्गर बॉस ने हमारी हेल्प की भाई पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा यार, इधर रास्ता भी नहीं है भैंस किया तू चला जाए, इतनी ट्रैफिक है लिबर्टी सिटी में क्या है भाई, इंडिया में आए हो क्या भाई, ऐसा लग रहा है इंडिया में आ गया हो कसम से यार भाई इतनी ट्रैफिक देख रहे हो भाई ट्रैफिक गाइस खतरनाक है भाई। चलो भाई चल भी नहीं रही, चलो अंदर चलते हैं और डायरेक्ट नेट प्रैक्टिस भाई देखते हैं क्या प्रैक्टिस कर रहा है ये, पता नहीं गोल वगैरह खेल रहा है पता नहीं जो भी है। और चलो यार इधर कितना किधर है भाई, इधर है क्या, ठीक है यार भाई दुकान का नाम देख रहा हो गोल्फ वगैरह है, चलो एंटर करते हैं। ऑल राइट गाइस यहाँ पे एंटर तो मैंने कर दिया था और ये देखो भाई इधर ना नेट प्रैक्टिस लगी, इतनी बड़ी नेट लगी भाई यहाँ पे क्रिकेट खेलने का क्या ही मज़ा आएगा। सो यार क्या बोलते हो गाइस यहाँ पर क्रिकेट खेलेगा, अगर आपको क्रिकेट गेम पसंद है तो बाहर के सब लोग क्रिकेट गेम खेलेंगे क्या बोलते हो गाइस, आप लोग बोला क्रिकेट 24 गेम खेले और उसकी वीडियो अपलोड करें तो क्रिकेट 24 लिख दो तो भाई मैं इसका भी वीडियो डाल दूंगा गाइस भाई RCB वर्सेस जो भी भाई IPL मैच खेलेंगे अगर आपको पसंद है बोल देना। तो चलो यार इससे बातचीत करते हैं और भाई डग्गर बॉस से भाई जो भी है सब कुछ बोल देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं है। चलो यार फटाफट से सब बोल देता हूँ। ऑल राइट गाइस यहाँ पे ना अभी सारी की बातचीत वगैरह मैंने कर दी है,
ये कह रहा है कि मुझे पता है कि यार तुम इधर क्यों आए हो, मुझे लिबर्टी सिटी क्यों ले जा रहे हो। ये कह रहा है कि देख जो भी प्रॉब्लम है तू बता दे खुल्लम का, भाई तू मुझे मारने आया तो भाई देख बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, मुझे पता है तू इतना यहाँ से आया ना भाई, अचानक एक दिन भी नहीं हुआ तू फिर से लिबर्टी सिटी आ गया, कोई बड़ा वाला प्रॉब्लम हो चुका है, मतलब बहुत बड़ा वाला कांड हुआ होगा, इसीलिए तू यहाँ पर आया, वरना तू मुझे लिबर्टी सिटी ले क्यों जा रहा है। सो यार गाइस, तो इसीलिए मैंने ना उसे सच बता ही दिया। यार देखो भाई, ये कह रहा है कि तू झूठ बोल रहा है यार, अब ना इसीलिए मैंने सच सच बोल दिया और कह दिया जो भी कहना था। भाई जो एगल और क्लाउड और उसका छोटा भाई है ना, वो कह रहा है कि बस वो इसी ने, मतलब जब तक मैं डगर बॉस को नहीं ले जाऊंगा उसे उसको पास नहीं दूंगा, तो वो कह रहा है कि फिर हम उसे नहीं छोड़ेंगे फ्रैंकलिन को। तो मैंने सारी की जो भी बात है ना उसे बता दिया। ये कह रहा है कि देख वो जाने दे भाई, वो छोटा काम है भाई, मैं आसानी से कर दूंगा, मैं खुद आ जाऊंगा भाई, कर दूंगा तेरा काम सॉल्व। ये तो बहुत छोटी बात है यार, ये तेरे लिए छोटी बात होगी यार। ठीक है यार, ये कह रहा है कि तू मेरे अकाउंट छोटा काम कर दे, मेरी डील हो रही है उधर, मतलब डील नहीं एक डील कैंसिल करनी है। भाई साहब ये बंदा यार क्या सिचुएशन में डाल दिया। ये कह रहा है कि भाई मेरी डील कंप्लीट करवा दे, मतलब जो भी है ना, मतलब इसका काम करवा दे भाई, जो डील चल रही है ना वहाँ पे लोकेशन पे भाई, वो डील को कैंसिल करना है, वहाँ के सारे लोगों को मार के अपना जो भी माल वगैरह अपने सीक्रेट अड्डे पे डाल दे। यार अभी सिर्फ और सिर्फ गए 15 घंटे बचे हैं, अब 15 घंटे में यार गए क्या क्या करना है यार, समझ रहे हो। अब भाई जाने आने में मतलब लिबर्टी सिटी टू लॉस सैंटोस भाई 5 घंटे लग जाते हैं। अब यार फटाफट से यार काम वगैरह करना होगा भाई। यार चलो यार, भाई ये कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा भाई, तू टेंशन मत ले। यार इसने मेरा झूठ पकड़ लिया गाइस। भाई ये बंदा गाइस दिल का वैसे तो अच्छा है, बट यार ये बंदा बहुत बड़ा वाला मास्टरमाइंड भी, तो आपने देखा इसने मुझे पहचान लिया यार। अब ना मुझे भाई देख समझ के काम करना होगा गाइस, अगर इसने मना कर दिया बीच में तो भाई हमारे दोस्तों की जान तो जाने ही वाली है। भाई पता नहीं यार ये बंदा ये कह रहा है, भाई पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे ये बंदा फद्दू तो है नहीं, वैसे आ जाएगा, कुछ ना कुछ प्लान करेगा भाई, गोल्फ वगैरह खेल रहा है, इसके भी बहुत सारे मास्टरमाइंड लोग हैं। यार फटाफट से गाड़ी में बैठ, यार टाइम नहीं मेरे पास। सो चलो यार फटाफट से ना भाई लोकेशन की ओर जाते हैं। और भाई साहब क्या डील कर रही है पता नहीं गाइस, यहाँ पे ट्रक वगैरह का डील चल रहा है, तो वो डील को कैंसिल करते हैं और भाई जितना भी माल है ना भाई इसके गोडाउन में रख देते हैं। भाई कह रहा है कि देख के जाना, पुलिस वगैरह भी पीछे पड़ सकती है, क्योंकि ना भाई जो डील चल रही है वो गवर्नमेंट का एक आदमी है। भाई साहब यार क्या है भाई ये। चलो यार फटाफट से ना भाई डील को गाइस कैंसिल करवाते हैं और भाई लोकेशन की ओर निकलते हैं एंड पता करते हैं यार क्या डील चल रही है और क्या नहीं चल रही है। सो लेट्स गो गाइस। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके थे भाई, यहाँ पर डील चल रही है भाई साहब। भाई आधा घंटा हो चुका है कसम से यार, अभी बहुत कम समय हमारे पास। यार हमारे दोस्त पता नहीं वहाँ पर क्या सीन चल रहा होगा, टॉर्चर वगैरह कर रहा होगा ये एगल का बच्चा। और यार चलो भाई, भाई कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि भाई SPG को बुलाना पड़ेगा, भाई कह रहा है कि डग्गर बॉस के SPG को बुलाना पड़ेगा, इतने लोग को भाई हम लोग अकेले मारेंगे तो भाई डील तो कैंसिल होने वाली है। और ये देखो एक गवर्नमेंट का बंदा है और एक प्राइवेट पता नहीं कोई लेडीज़ है, और इसमें ना गाइस भाई ड्रग्स वगैरह है, और ये अपने को 2 ट्रक चुराने हैं। और यहाँ पे पता नहीं कौन सी है भाई साहब, कौन सी वाली सिक्योरिटी लगी है, ट्रैफिक वाले पुलिस भी है, और भाई ये NSG सिक्योरिटी लग रही है मेरे को, नहीं NSG तो नहीं है, पता नहीं है, जो भी है गाइस भाई साहब पता करेंगे। भाई अभी अपने को यार भाई फुल सिक्योरिटी टाइट है यार, देख रहे हो भाई साहब क्या ही सीन है यहाँ पर गाइस, गवर्नमेंट के लोग भी है और प्राइवेट सिक्योरिटी भी यार गाइस। वैसे रास्ते तो ब्लॉक किए पूरे के पूरे, वैसे डॉग्स है गाइस, बट ये जो एरिया है ना पूरा का पूरा मतलब सील करे भाई, मतलब कोई आ नहीं सकता है, फुल सिक्योरिटी टाइट है भाई, मतलब कोई SS नहीं जानेगा तो। यार चलो अभी कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। ये कह रहा है कि यार अटैक कैसे करेंगे जब हम इंटर ही नहीं कर सकते, बस यहाँ पे एक चारा है भाई, इधर से करेंगे तो इधर पुलिस वगैरह आएगा, मतलब समझ रहे हो। सो भाई इधर इतना ट्रैफिक जमा हो रहा है, पहले इतना ट्रैफिक जमा हो गया। सो भाई चल यार अभी कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, नीचे जाके देखते हैं क्या सीन है। वैसे तो भाई अटैक इधर से हम लोग कर सकते हैं, बट इधर ना भाई रास्ता ब्लॉक कर दिया ना पुलिस वगैरह, तो भाई फट के हाथ में आ जाएगी। भाई साहब देख रहे हो अच्छे से गाड़ी आ रही, गाड़ी वाली टप देगी हमें तो, कोई बात नहीं कुछ प्लानिंग वगैरह करते हैं। और ये जो पुलिस वगैरह ना भाई, उन्हें कुछ बहाना वगैरह कुछ करके ना कुछ एंट्री कर लेंगे अंदर, क्या पता गाइस वैसे यहाँ से क्या रास्ता है ना। चलो इधर से जाएंगे नीचे, आई थिंक नीचे चला जाता हूँ। और इधर ना ट्रैफिक वाले पुलिस भी है भाई, मतलब भाई ये मुझे वैसे लग रहा है डग्गर बॉस मुझे फंसा तो नहीं रहा ना भाई, मतलब भाई पुलिस के मतलब ये जो काम चल रहा है ये पुलिस का काम है भाई, मतलब
लिबर्टी सिटी का काम है भाई, समझ रहे हो? लिबर्टी सिटी का पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी ना भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं यार, अभी करना तो है हमने को भाई। माइकल है भाई यहाँ पर ना भाई, अंदर जा नहीं सकते भाई, एसएस नहीं है, मतलब समझ रहे हो? पुलिस वाला आ रहा है यार, पुलिस वाला आ रहा है इधर, देख रहे हो भाई? वही कह रहा है गाइस, सेम टू सेम गाइस, एसएस नहीं है भाई, कह रहा है कि इधर से निकल जाओ यार। ठीक है यार, पुलिस ऑफिसर एक काम कर दो यार, छोटा सा भाई इसको ना मैं एक काम करता हूँ, पीछे ले जाता हूँ, कुछ बहाना बोल के बोलता हूँ कि यार वहाँ पे ना कुछ लोग हमारे अटके पड़े हैं, उनको जाने दो। चल यार पुलिस ऑफिसर को ले जाता हूँ भाई साहब, अपना कोई चारा नहीं है गाइस, अंदर एंट्री करनी है, अपने कुछ लोग बुलाने, तो प्लानिंग वगैरह करनी होगी ना। पहले तो हमें जो लीडर है ना उसे मारना है, जो डील वगैरह कर रहा है, जो बहुत बड़ा वाला मिलीनियर है लिबर्टी सिटी का, उसे मारना है ठीक है, वरना उसको, वरना वो हम लोग डायरेक्ट अटैक करेंगे ऊपर से तो भाग भी सकता है। तो इसको मैंने इधर तो बुला दिया हूँ, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ सर, इधर ही कहीं मेरा था दोस्त वगैरह फंसा, ये कह रहा है कि इधर कहाँ पर है। अरे इधर आओ तो सही यार, तुम रुक क्यों गए भाई? उसको लग रहा है ना ये जो बंदा है वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को भटकाने गया या मारने गया, मुझे नहीं पता, वो काम कर देगा ठीक है। सो चलो यार गाइस, इसको कहता हूँ भाई ये देखो यहाँ पर ही कुछ अटका हुआ है भाई, पता नहीं उसको उल्लू बना के कैसे मिला लिया हूँ, सॉरी ऑफिसर, अब ना इसका कहीं स्कीम बजने वाला है। अब मैंने निकाल दिया है गाइस, खंजर निकालता हूँ, एंड भाई सॉरी गाइस, पुलिस वाले को मारना पड़ा और इसके सर में गाइस, भाई कुछ ऑप्शन ही नहीं यार, इधर हम लोग जाना है, एसएस करना है, मतलब समझ रहे, प्लानिंग वगैरह करनी, तो उसको ठिकाने लगाना होगा। चलो ऐसे ठिकाना तो मैंने लगा दिया है, अब यार गाइस इसको मैं रख देता हूँ फटाफट से, एंड भाई लग रहा है ना उसने भी अपना काम कर ही दिया है। चलो भाई लग रहा है उसने भी पुलिस को ठिकाने लगा दिया है, कुछ टॉयलेट वगैरह के बहाने, पता नहीं यार। ठीक है चलो पूछता हूँ भाई, इसने बोल रहा है कि भाई इसको भी ठिकाने लगा दो भाई, पीछे जो चिमनी लग रही है ना, जो बड़े बड़े टावर है वहाँ पे गए मारा है। चलो यार अभी ना इधर कोई सेकंड लगी नहीं है, अब भाई देखता हूँ कितने लोग हैं क्या है, फिर हम ना उससे अंदाजे से अपने एसपीजी सिक्योरिटी जो है ना डग्गर बॉस की, उसकी हेल्प से भाई इनका गेम ओवर करते हैं। क्योंकि डग्गर बॉस ने बोला है तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बस कॉल कर दो, तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। भाई इधर ना भाई साहब बहुत ज़्यादा ही लोग हैं, और जो मेन बंदा है ना उसे हमें टपकाना है, सबसे पहले मारना है, डील कैंसिल करनी है। सो यार यहाँ पे मैं बाय निकालता हूँ एंड एक बार चेक कर लेता हूँ भाई। चलो अभी भी डील चली रही है भाई, ज़्यादा ही लोग हैं, बहुत ज़्यादा ही लोग हैं। अभी हमें ना एसपी की सिक्योरिटी कॉल करना होगा और सबको बुलाना होगा, फिर अटैक करते हैं। ऑल राइट गाइस, यार फाइनली आ चुकी है एसपी जी सिक्योरिटी। भाई हम लोग ने कॉल किया था, आपको पता है डगन बॉस ने बोला था, आप लोग को याद ही है। सो चलो यार अभी ना अटैक करने का टाइम आ चुका है, अभी हम लोग डायरेक्ट जाएंगे और पहले इनका जो हेड है ना भाई, जो डील वगैरह कर रहा है उसे पेलेंगे, एंड उसको हेडशॉट मार के भाई सारी की सारी डील भाई कैंसिल करेंगे। और यार फिर से जल्द हमको जाना है लॉस सैंटोस भाई, डगन बॉस को लेके भाई मगरमच्छ के मुँह में। यार पता नहीं यार वो बंदा गाइस आएगा कि नहीं, बोला है कि तुम टेंशन मत लो भाई, मैं सारा का सारा जो भी करना है तुम बस मेरा इतना सा काम कर दो, और ये तो भाई छोटा मोटा काम है जो तुम बोल रहे हो ना मुझे सिचुएशन वगैरह। यार भाई साहब अब गाइस क्या होने वाला है भाई, देखते जाओ और वीडियो को लाइक भी करना। तो यार चलो फटाफट से मैं अपनी स्नैपर निकालता हूँ, और भाई बस वो लोग मुझे देखना ले यार, क्योंकि ये सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई। देख ली यार इसकी फैंस क्या कि इसने भाई मार दिया, चलो खत्म, अपना काम तो हो गया, जिसको मारना था भाई उसको मार दिया। अब भाई ये फाइट करने वाले भाई, अब फाइटिंग शुरू हो चुकी है, और गाइस चलो इसकी बैस किया गया इनको ना भाई, औकात दिखाते हैं। और ये ऑफिसर को मार रहा हूँ, सॉरी यार मारना पड़ रहा है अभी सारे सिक्योरिटी को भाई, कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है। बट यार गाइस अभी डगन से दोस्ती किया था, उसने बोला ये जो काम है ना भाई सब तुम रोक लो जाके, मतलब वो खुद करने वाला था, बट वो कह रहा है कि तुम आ गए तो तुम भी कर दो भाई। यार चलो यार अब उसका छोटा सा एक काम कर देंगे, वैसे छोटा तो नहीं है भाई, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा वाला मैटर हो सकता है, समझ लो अपनी भाई जो रेपुटेशन है ना भाई लॉस सेंटर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब अब हम लोग न्यूज़ वगैरह में आ गए ना, तो भाई वो लिबर्टी सिटी और लॉस सेंटर्स का जो कनेक्शन है ना भाई कुछ भी हो सकता है, रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अपन जो है ना भाई प्रेसिडेंट के बहुत बड़े वाले अच्छे फ्रेंड है, और हम लोग न्यूज़ में भी आ चुके हैं। तो अभी मैंने यार विदाउट मास्क के फाइट कर रहा हूँ, क्योंकि यार भाई डगन बॉस ने बोला था भाई तुम मास्क वगैरह मत लगाना, वरना वो समझेगा कि मैंने अटैक वगैरह किया है। सो यार चलो कोई बात नहीं, ऊपर से गए तो हेलीकॉप्टर का आवाज़ आ रहा है भाई, इनको सब मैंने ख़त्म तो कर दिया। चलो कोई बात नहीं यार गाइस, सभी साफ रहे भाई, एसपीजी सिक्योरिटी होने के बाद अब तो कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है भाई, सबको ही मार देती है। सो चलो एक बार देख लेते भाई यहाँ पर माल वगैरह देख लेते, वही माल है ना भाई, ये लोग देख रहे इधर टेबल पे ना माल वगैरह भी चेक कर रहे थे, और ये जो है ना भाई ये डील वगैरह कर रही थी भाई। चलो इसको भी मार दिया भाई, सबको मार दिया, और इनके लैपटॉप वगैरह भी डिस्ट्रॉय करने उसने बोला है, सबको डिस्ट्रॉय कर देना। एक सेकंड में हेलीकॉप्टर की आवाज़ तो आई थी भाई, ये पुलिस वाले का ऑफिसर है,
भाई डगर बॉस ने बोला था पुलिस तो भाई होगी, बट तुम टेंशन मत लो भाई, जो भाई पुलिस बहुत कम होगी, तो इस तरह पुलिस वालों को पैसे खिला के रखे हैं, बट पुलिस वाले ज़्यादा नहीं आने वाले हैं भाई। यार ऐसे कैसे सकता है भाई, पुलिस वगैरह ये कह रहे हैं कि आएंगे बट लेट आएंगे, तो तुम फटाक से जो से निकल जाना भाई, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। वैसे पुलिस वाले कम ही आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर में आ रहा जो भी मच्छर वगैरह भाई वो आ रहे थे, जो गद्दारी की वो नहीं आ रहे थे। सो चलो यार फटाफट से निकल रहा हूँ भाई, यार माल वगैरह ट्रक वगैरह लेके ना भाई, जितना भी इसमें ड्रग्स वगैरह है सब कुछ लेके जाना होगा भाई। ये देख रहे हो पुलिस वाले भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं यार, फटाफट से अपने को भाई लेके जाना है, टाइम बहुत कम है यार। वैसे ये कहाँ से आ गया टपरी, स्किप है इसकी आग, चल निकल भाई आगे से रही, कहाँ से आ रहे टपक कहाँ से रहे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं गाइस कोई बात नहीं, इनके ना भाई सारे के सारे लैपटॉप तोड़ने पड़ेंगे। एक सेकंड, ये ऐसे काम नहीं करने वाला, मुझे आर कुछ निकाल जाओ। चल बेटा अब देखा अपना जलवा भाई, टेबल तो भाई हटाए नहीं भाई, सारे लैपटॉप वगैरह भाई, चलो भाई हवा में उड़ चुका है, अब भाई कुछ काम करने लायक तो बचे नहीं है भाई। चलो इनके सारे के सारा जो डाटा वगैरह है सब कुछ ना भाई डिस्ट्रॉय हो गया होगा इसमें, और भाई इनका जो माल वगैरह है ना भाई, ये जो पैसा वगैरह भाई ये लोग लेके आ जाएंगे ठीक है। अपने को कुछ नहीं करना है, बस अपने को लेके जाना है ट्रक्स वगैरह, और भाई डील को कम मतलब डील तो हो चुकी है ना। चलो भाई का भाई सब देख रहे हो भाई क्या क्या इसका भाई, भाई सब कुछ टेस्ट कर रहे हैं कितना ग्राम वगैरह भाई पूरिया भाई। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ बढ़िया है। ओके यार गाइस और निकलते हैं फटाफट से भाई, जो सीक्रेट एरिया है ना मुझे भी नहीं पता भाई। चलो यार गाइस मुझे सेंड कर देंगे लोकेशन वगैरह भाई, अभी भी हेलीकॉप्टर आ रहे हैं यार, अभी यार मेरे पास आर पी जी निकालना होगा, कोई बात नहीं यार गाइस फटाफट से निकालते हैं और भाई ख़त्म करते हैं इनका मैटर गाइस। यार इसकी ना भाई ज़्यादा ही कर रहे हैं ये लोग भाई, अभी भी आ रहे हैं भाई, तुम लोग संभाल लो एस पी जी वालों ठीक है, अभी यहाँ पे फाइट वगैरह होने वाली है तो अपने को ना भाई निकलना होगा गाइस, समझ लो भाई इधर ना फाइट वगैरह चलती रहेगी, अपने को इधर से निकलना होगा एंड फटाफट से चलते हैं। और भाई साहब अभी यार कोई ये ट्रक को लेके आ रहा, दूसरा भाई लेके आ रहा एस पी जी का एक बंदा भाई, हेलीकॉप्टर वगैरह भी यार, बट भाई सोच रहा चुरा लूँ कोई बात नहीं भाई। देख रहे एक और पुलिस की गाड़ी आ गई उधर से भाई, क्या सीन है, ये पुलिस वालों को पूरा पैसा नहीं दिया क्या, लग रहा है पुलिस वालों को रिश्वत वगैरह नहीं दी यार भाई। पुलिस देख रहा है ये मंदिर वाला पुलिस आ ही गया भाई, इसको पैसे नहीं दिए क्या, तू आ गया फाइट करने, क्या सोच के आया भाई, ले गए उसको लगा पैसे वगैरह मिलेंगे। अरे हट जा भाई सामने से, मैं ट्रक को जाने थे भाई, देख रहे ट्रक का कवर ले रहा है कसम से भाई। चलो भाई फटाफट से बैठ जा भाई, वो फाइट कर रहे हैं ना भाई, ये बताश जी भी यार वो भी फाइट कर रहे हैं, मतलब क्या ही सीन है भाई, फटाफट से बैठा और निकल, अब मेरे पास टाइम वगैरह नहीं भाई, 15 घंटे बचे अभी, और ये ट्रक हटा रहा हो चुका है बिल्कुल यार गाइस, देख रहे हो भाई सामने के टम्पर वगैरह सब कुछ उड़ चुका है भाई, बस यार पहुंच जाए और अपना जो मिशन है ना भाई वो कंप्लीट हो जाए, वरना गाइस फालतू का भाई प्रॉब्लम वगैरह ना हो जाए, और फ्रैंकलिन और ट्रेवर को भी बचा सकूँ यार, अपने जो फ्रेंड है टॉमी और भाई मोस्टर से बहुत सारे लोग हैं यार फंसे हुए गए इस कसम से क्या ही बोलूँ, और अपना गैंग लीडर मर चुका है, पता नहीं कितना टॉर्चर कर रहा होगा। और मुझे अभी मैसेज भी आया था भाई एगल का, कह रहा है कि फटाफट से कर अभी ना भाई टॉर्चर वगैरह चालू है भाई, माटा मतलब जो भी है ना भाई मारम पिट्टी चल रही है भाई, मतलब उन्हें भुक्का भुक्का वो उनको मार रहे हैं यार, अभी जल्द से जल्द मुझे निकलना होगा। मैंने उसे बोल दिया कि डगर बॉस हम लोग रस्ते में, अब यार इन्हें कैसे बताओ कि अभी इधर मैं दूसरा ही कुछ और काम कर रहा हूँ भाई डगर बॉस का। चलो भाई ये देखा छुपके बैठा है साले, तुम लोग डरपोक लोग भाई, फट के पड़े छुपके से वार कर रहे हैं ये लोग, कोई बात नहीं चल फटाफट से बैठ, अपना काम तो हो गया भाई, वो लोग संभाल लेंगे भाई, एसपीजी के लोग संभाल लेंगे भाई, यहाँ की पुलिस पीछे पड़ चुकी है यार कसम से यार गाइस, इन्हें पता नहीं यार गाइस क्या ही बोलूँ, ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं, और इधर से ना जाना होगा कैसे भी करके यार गाइस। चलो भाई फटाफट से इधर से निकलना होगा, और भाई देख रहे हो ट्रक की जो हालत है ना भाई, क्या ही भाई गाड़ी चली नहीं रही बिल्कुल ही चली नहीं रही, और यहाँ पे अपने जो एसपीजी की गाड़ी है भाई वो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं भाई, तुम लोग हैंडल करो भाई इन्हें कैसे भी करके ना भाई। भाई एक सेकंड भाई, यहाँ पर ज़्यादा ही पुलिस है यार, अभी भाई इधर लग नहीं रहा मैं सीधा जा पाऊँगा डायरेक्ट भाई, देख रहे हो भाई पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही है अभी, समझ रहे हो इधर से डायरेक्ट तो भाई मुझे लग नहीं रहा भाई आसानी से जा पाऊँगा, और ये ट्रक की हालत देख रहा धुआं निकल रहा है सबसे यार, पुलिस वाले भी हैं भाई, वैसे मुझे लग रहा डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा मतलब सीधा सीधा रास्ता होगा, और ये देखो भाई पुलिस यार पीछे में अटका रही कसम से, जाने दो यार बहुत टाइम हो गया पहले ही यार गाइस, देख रहे हो कसम से ना भाई गंदी वाली सिचुएशन फंस चुका हूँ। चलो इधर तो कोई पुलिस वगैरह नहीं दिख रही है, एक सेकंड इधर तो कोई भी नहीं लग रहा, एक सेकंड ये आ चुकी है भाई, ये देख यार अब कैसे भी करके बचना होगा भाई। चलो कोई बात नहीं, इस टनल से निकल जाता हूँ
एंड भाई अरे यार उसकी भैंस की पूंछ। चलो कोई बात चले, कोई बात नहीं, इधर से निकल जाते हैं भाई। ये टनल में जाएगी ना? चलो ये टनल भाई कितना छोटा टनल है भाई, ये लिबर्टी सिटी का भाई, ये लिबर्टी सिटी का टनल है भाई, ज़्यादा ही छोटा है। चलो कोई बात नहीं, बीच में पूरी जा चुकी है इसकी भैंस की यार। भाई बीच में रास्ता अटका रहा है यार, किस कसम से यार, मतलब भाई पुलिस वाले, अरे इसने कर दिया यार फालतू का स्कैम वगैरह ना हो जाए। चलो कोई नहीं, जैसे निकलता हूँ भाई साहब। यार बहुत ज़्यादा ही गंदी वाली पुलिस यार लिबर्टी सिटी की भाई, ज़्यादा ही पावरफुल देख रहे हो यार, कसम से यार कैसे ज़्यादा ही पावरफुल वाली पुलिस है भाई। यार लग रहा है इधर से ट्रैप वगैरह ना हो जाओ यार। इन्होंने मुझे कहा कि टनल में से जा रहा हूँ, वहाँ से ना जो सीक्रेट लोकेशन है वहाँ से मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है भाई। यार ये पुलिस वालों को तो समझाओ यार, तुमने कहा था पुलिस वालों को रिश्वत खिला के रखी है, बट यार ये पुलिस वाले दौड़ी निकली कसम से यार। गैस भाई फंस चुका हूँ यार, ये पुलिस वाले इतने पावरफुल है, ऊपर से जो अपना ट्रक का जो टायर है ना ऊपर सामने से भाई लो हो चुका है, मतलब हट चुका है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, फटाफट से भाई निकलना होगा कैसे भी करके यार। ये टनल इतना बड़ा है ना, मतलब बड़ा भी है लेंथ में और भाई इतना छोटा भी है साइज में, तो कोई बात नहीं। बीच में सारी पुलिस अटका रही है अपनी गाड़ी को, कोई ना भी कैसे भी करके इधर से भाई निकलता हूँ और भाई गेम ओवर करता हूँ इंसानों का। चलो यार फटाफट से इसकी फैंस किया भाई, ये सारे लोग को मारना पड़ रहा है भाई, बीच में रास्ता अटका रहे हैं ये लोग भी। कोई बात नहीं गाइस, फाइनली ना गाइस मैं इधर से निकल चुका टनल में से भाई। बहुत ज़्यादा ही लंबी टनल थी यार कसम से भाई, इतनी गाड़ी बता रहा हूँ, अब जाके निकला उसमें से, मतलब भाई क्या ही बोली। अब फटाफट से मुझे इधर से निकलना है, अभी सिटी में तो आ चुका हूँ, अब जो सीक्रेट एरिया है ना भाई वहाँ पे जाना है। अभी अपने पास टाइम वगैरह कुछ नहीं है ठीक है, अभी यार ये पुलिस का कुछ करना होगा भाई, अभी मुझे फुल ट्रक स्पीड में भगाना होगा अभी ठीक है ना। अभी कोई रास्ता वगैरह नहीं, कोई लोग भी नहीं है, और फटाफट से अपने को निकलना है अपना जो एरिया है ना भाई, सीक्रेट लोकेशन डग्गन बॉस का भाई, वहाँ पे कोई भी नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे पुलिस अलाउड ही नहीं है, मतलब डग्गन का एरिया से लोग जानती है, मतलब डग्गन का बहुत बड़ा खौफ है भाई वहाँ पे, तो वहाँ पे फटाफट से जाना है। और भाई साहब मिट्टी जो सिगरेट भाई, एक सेकंड ये क्या हो रहा है भाई, कुछ गलत ना हो जाए यार, ये क्या हो रहा है भाई, मेरा ट्रक चल चुका है कार के ऊपर भाई, भाई कुछ गलत सीन ना हो जाए भाई। कोई ना भाई, ये कार का ना भाई लोड हो चुका है कसम से भाई, मतलब ट्रक ही चढ़ गया कार के ऊपर। कोई बात नहीं, कार के साथ गलत वाला गंदा वाला काम हो चुका है। और भाई बराबर से इधर से निकलते हैं और भाई डायरेक्ट लोकेशन में मिलते हैं भाई। अभी ना भाई अभी बहुत वाला गंदा वाला सीन, मतलब चलते रहेंगे पुलिस पीछे पड़ते रहेंगे अपने को। कोई बात नहीं यार, फटाफट से आपको मैं लोकेशन की ओर ही मिलने वाला हूँ, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा ना बहुत वाला गंदा वाला टाइम पास हो जाएगा। चलो यार फटाफट से इधर से एक टर्न मारता हूँ और भाई पुलिस को चेस करते करते ना भाई बहुत टाइम लग जाएगा, और आपको डायरेक्ट अनचेज मतलब जो पुलिस हटने के बाद ही मिलता हूँ, और सीक्रेट लोकेशन मतलब ऐसे मुझे जाना होगा, मतलब समझ रहे। तो चलो फटाफट से, अभी यार बिल्कुल ही टाइम नहीं है यार। ठीक है यार गाइस, आपको ना ये एक सेकंड, ये पुलिस भाई आ ही रही है भाई, क्या ही सीन है भाई, अभी क्या ही चेस करेंगे, मतलब इनको हटाएंगे कैसे, ये पुलिस जाएगी तो आपको बताएंगे ना। कोई बात नहीं, अभी ये पुलिस भाई बहुत पावरफुल है यार गाइस, कसम से इतनी पावरफुल पुलिस है ना भाई, क्या ही बोलूँ यार। चलो अभी कोई पुलिस वगैरह नज़र नहीं आ रही है, तो फटाफट से ना भाई भगाता हूँ और सीक्रेट लोकेशन पर मिलता हूँ आप लोग को। ऑलराइट गाइस, यार फाइनली पुलिस हट चुकी है और डग्गन बॉस का जो सीक्रेट एरिया है, सीक्रेट तो नहीं है वैसे तो, ये पूरा नाम एरिया है ना डग्गन के नाम पे काम करता है, मतलब डग्गन का इतना ज़्यादा इधर वो है ना गाइस, मतलब समझ रहे हो नाम इधर ना भाई, पुलिस भी डरती आने से भाई, पुलिस का बहुत गंदा वाला डरती है डग्गन से भाई, डग्गन का जो नाम है ना यार कसम से भाई बहुत गंदा वाला माफिया है ये भाई, हर लोग इससे डरते भाई। तुम लोग जो भी करना है करो भाई, फटाफट से माल को जो करना करो भाई, मुझे गाड़ी दो फटाक से ठीक है, मुझे निकलना है, मेरे पास टाइम वगैरह नहीं भाई। ये कह रहे कि पीछे गाड़ी है ले लो जाके भाई, का है पीछे इधर किधर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है भाई, किधर है ब्रो, किधर है भाई, कह रहा है कि लेफ्ट साइड आगे जाके लेफ्ट ले लो। यार भाई क्या बनता है, इतना टाइम पास लेके अब बोलता है गाड़ी पीछे है, अब बोलता है लेफ्ट लो, पीछे से पीछे लेफ्ट है। चलो फटाफट से भागता हूँ यार, अभी टाइम वगैरह कुछ भी नहीं है गाइस, कसम से बताओ ना भाई, शाही सिचुएशन फंसा। अभी ट्रेवर फ्रैंकलिन को बचाऊंगा कैसे, अभी टोटल मेरे पास अभी सिर्फ 12 घंटे बचे गाइस, 3-2 घंटे तो चेस करने में चले गए भाई। कार वगैरह में बैठते अभी बिल्कुल ही फंस चुका हूँ यार गाइस, इतनी गंदी सिचुएशन हो चुका है ना भाई, माइकल बहुत ज़्यादा ही थक चुका है। कोई बात नहीं, अब पता नहीं क्या होने वाला है गाइस, कसम से बता रहा हूँ ना भाई, इतनी गंदी सिचुएशन हो चुकी है, बहुत गंदी वाली भाई। तुम कहाँ आ रहे हो भाई,
कह रहे हैं कि डगन की कार है भाई, फटाफट से वापस लाना। अरे भाई डगन मेरा दोस्त है भाई, क्या भाई बंदे यार, ये जो भी सिक्योरिटी है ना SPG भाई, कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं तुम अपने बॉस को। चलो कोई बात नहीं, अभी फटाफट से इधर से भाई निकलता हूँ, डगन को बोलता हूँ कि यार काम वगैरह हो चुका है, उससे पूछता हूँ भाई क्या प्लान है अब तेरा, मतलब उसने क्या प्लान बनाया, वो मेरे साथ आ रहा है कि नहीं। सो चलो फटाफट से ना उसके जो भी लोकेशन वगैरह है उधर जाते हैं और पता करते हैं। यहाँ से रास्ता बंद कर क्यों कर दिया यार, भाई क्या ही सीन है भाई, इधर क्या कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। कोई बात नहीं गाइस, ठीक है फटाफट से जाते हैं और भाई साहब इधर से निकलना होगा गाइस कैसे भी करके। भाई क्या ही लोकेशन है भाई, अगर आपने GTA 3 खेला है ना तो ये आपको बिल्डिंग याद होगी, बताना ये कहाँ कौन सी बिल्डिंग है। अरे मुझे तो याद है, अगर आप लोग ने खेला है लिबर्टी सिटी या GTA 3 तो भाई या GTA 4 तो यार आपको याद ही होगा, मतलब क्या ही सीन है। ये कार भी आपको याद होगी, GTA 3 की लिबर्टी सिटी की ये कार आपको याद होगी अगर आपने खेला है तो, मतलब क्या ही कार थी भाई, एक ही स्पोर्ट्स कार थी। सो चलो यार फटाफट से ना भाई लोकेशन की ओर मिलते हैं और डगन बॉस से मिलते हैं। और भाई अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो देख रहे हो तो भाई इस चैट पे लिख दो OP इन द चैट। ऑल राइट गाइस, यार फिर से ना मैं आ चुका हूँ यार डगन बॉस के गर्ल्स क्लोज, मतलब जहाँ पर ये कोल्ड फील रहा है ना भाई, पता नहीं यार इसका काम तो मैंने कर दिया और अब इससे प्लानिंग पूछते हैं यार क्या काम करना है, मतलब वो आ रहा है कि नहीं मेरे साथ में, एक बार कन्फर्म बता दे भाई। आना तो उसे पड़ेगा, वरना नहीं आया तो भाई साहब यार बहुत जल्दी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी और इतना जो काम किया ना भाई सब बेकार हो जाएगा। सो चलो यार फटाफट से इससे बातचीत करता हूँ भाई साहब एंड बोलता हूँ कि यार क्या प्लान बनाया, और ये बंदा इधर पार्टी वगैरह कर रहा है भाई, प्लान वगैरह किया है कि नहीं यार, क्या बंदा है यार कैसे, पता नहीं इसका कुछ फ्रेंड आया ओल्ड वाला भाई, ये पार्टी वगैरह कर रहा है गाइस देख रहे हो भाई साहब यार, पता नहीं, चलो इससे बातचीत करते फिर आपको बताता हूँ क्या सीन है और क्या। ऑल राइट गाइस, यार इधर ना बातचीत मैंने कर दिया है, ये कह रहा है कि देख इतना खतरनाक प्लान है ना, मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं इधर ही दिन भर गेम खेलता रहूँगा, मतलब जो भी है, और तू चले जाएंगे और तेरा काम भी हो जाएगा। भाई ये काम तुम खुद अपने आँखों से देख लो, मतलब क्या प्लान है इसका, मतलब ये कह रहा है कि मैं आने वाला ही नहीं हूँ फिर भी तेरा काम हो जाएगा। भाई कैसे, अगर तू नहीं आए तो भाई काम ख़त्म हो जाएगा। सो ये कह रहा है कि तू खुद देखते जा और पीछे देख क्या होने वाला है, मतलब थोड़ा वेट करो और वो आता ही होगा। भाई कौन आ रहा है, क्या चल रहा है यार, भाई साहब मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ, आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो। और भाई एक सेकंड भाई, ये तो डगन बॉस जैसे ही लग रहा है भाई, ये डुप्लीकेट है क्या गाइस। ये कह रहा है कि भाई पिछले टाइम मैंने तुझे ऐसे उल्लू बनाया था, मतलब जब हमने डगन बॉस को मारा था ना तो भाई वो प्लास्टिक सर्जरी वाला डगन बॉस था भाई, जब हमने उसे मारा था हमें लगा वो रियल वाला यार डगन बॉस है, बट गाइस मैंने उस टाइम पहचाना नहीं था। बट ये देख रहे हो, ये कह रहा है कि देख मेरे पास इतने लोग हैं ना भाई, इतने डॉक्टर्स हैं, मतलब इतने सारे फेक डगन बॉस हैं, और भाई क्या ही बोलूँ, मतलब ये वाला तू फेक डगन बॉस उधर ले जा और भाई तेरा काम हो जाएगा। बट ये जो बंदा है ना, इससे पता नहीं कि इसके साथ क्या होने वाला है, ये ज़िंदा रहने वाला है क्या मरने वाला है भाई, इसे लग रहा है कि ऐसे ही काम चलते रहता है। मतलब यार गाइस भाई ये तो एकदम बढ़िया सॉलिड प्लान है, मतलब क्या ही बात है यार भाई, डगन बॉस ने बढ़िया वाला काम कर दिया। बट अगर हम पकड़े गए ना भाई, ये रियल दिख रहा है वैसे, बस इसने टोपी नहीं पहनी है, इसको टोपी पहना देंगे तो भाई बिल्कुल रियल लगेगा यार, मतलब 100% श्योर देख रहे हो भाई, रियल लग रहा है। मतलब मैंने सोचा नहीं था ये काम इतना ईजी होगा भाई, मतलब डगन बॉस नहीं आ रहा है फिर भी मेरा काम हो जाएगा भाई। बट यार वो जो एगल है ना, बस वो एक काम करते हैं डगन बॉस को लेके, हमारे जो सारे फ्रेंड है ना उन्हें छोड़ दे यार, पता नहीं यार क्या होने वाला है। तो यार ये कह रहा है कि एक्टिंग वगैरह अच्छी कर लेता है भाई, इसकी एक्टिंग वगैरह देखते हैं यार, पता नहीं, कह रहा है कि ये ना बंदा एक्टिंग वगैरह अच्छी करता था बट इसका ना एक्टिंग का मतलब दुकान था, मतलब जो भी था ना भाई ये, बट वो सारा फ्लॉप हो गया। तो भाई ये कह रहा है कि मैं एक्टिंग वगैरह भी, डांस वगैरह भी अच्छी कर लेता हूँ जो भी करना है। अरे भाई डांस वगैरह नहीं करना है भाई, उधर जाके अच्छी वाली डगन की एक्टिंग करनी है भाई, बढ़िया वाला डांस वगैरह करना है भाई, ये क्या कर, अरे भाई इधर कुछ डांस वगैरह नहीं करना है तुझे यार, ये बंदा तो भाई, भाई ये बंदा पागल वगैरह हो गया क्या भाई, क्या कर रहा है भाई, इसे पता ही नहीं क्या होने वाला है तेरे साथ में भाई, कसम से भाई तेरे साथ गंदा वाला स्कैम होने वाला है भाई।
भाई क्या ही पागल हरकतें कर रहा है भाई, वहाँ पे मत करियो ऐसा हरकत, वरना भाई भाई साहब हम तो मर ही जाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई डांस ओ पी लिख दो भाई, या कुछ भी लिख दो भाई, टक्कर क्रेजी लिख दो भाई, जो भी लिखना है तो मुझे समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। भाई ये बंदा क्या कर रहा है, मतलब भाई हंसी दिला दी भाई, इतनी गंदी वाली चीज़ों ने फंसा हूँ मैं, मतलब हंसी तो छोड़ो भाई क्या ही बोलूँ, मतलब इतना मौत का खेल पे मैं खड़ा हूँ भाई। टाइम नहीं है जल्दी चल भाई, सिर्फ 10 घंटे बचे भाई, अब 5 घंटे आने जाने में और भाई आधा घंटा उधर लग जाएगा जाने में। भाई क्या ही कर रहा है, बस कर भाई, बहुत अच्छी कर ली तूने, तेरी तारीफ, बस इसे टोपी वगैरह दे दो भाई। कह रहा कि टोपी मैं अभी नहीं पहनूंगा, भाई जब आएगा टाइम तो पहनूंगा, ठीक है यार। क्या भाई तूने सर्जरी कराई, कह रहा कि मेरे नए से भाई 10-12 लोग हैं जो सर्जरी कर बैठे हैं, बट ये किसी को कहना मत, बस तेरे को कह रहा हूँ भाई। डगन बॉस ने मेरे पे इतना भरोसा किया ना यार, ये मैं कभी नहीं भूलने वाला। और भाई कसम से गाइस, ये डगन बॉस को मैंने सोचा नहीं था ये दिल का इतना अच्छा होगा भाई, इतना अच्छा फ्रेंड है ना भाई। गाइस यार कसम से बता रहा हूँ, ये बंदा बहुत ही अच्छा है, मतलब इतने मेरी हेल्प कर रहा ना, ये लिबर्टी सिटी में मेरा कोई भी नहीं था यार, बहुत ही अच्छा लगा, एंड इसने हमारी हेल्प भी की, बहुत बढ़िया लगा। चलो अभी विदाउट कोई टाइम पास किए ना अभी गाड़ी में बैठते हैं और भाई एयरपोर्ट पे जाते हैं, और अपना जो एयरप्लेन है भाई वो भी वहाँ पर ही खड़ा होगा, प्राइवेट है तो भाई मुझे लगता नहीं कोई कुछ किया होगा, आई होप कि वो भी सेफ हो, वरना भाई लग जाएंगे बड़े वाले। सो चलो इसको गाड़ी में तो बिठा दिया, अभी इसे सेफली भाई कुछ भी ना हो जाए, वरना डगर बॉस कितने दुश्मन है ना भाई, लिबर्टी सिटी भाई हर जगह भाई कुछ भी हो सकता है। तो चलो फटाफट से चलते हैं भाई साहब, और ना आपको मिलते हैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पे लिबर्टी सिटी पे। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं लिबर्टी सिटी के एयरपोर्ट पर, और भाई साहब फटाफट से जैसे निकलते हैं, कोई टाइम पास नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं वैसे हमारे पास। भाई कितने ज़्यादा एयरपोर्ट के दरवाजे भाई, एक दरवाजे दूसरा दरवाजा भाई साहब, यार लिबर्टी सिटी यार अलग ही सीन है भाई यहाँ पर, इनका एयरपोर्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत बढ़िया, मतलब इतनी सिक्योरिटी है ना क्या ही बोलूँ। तो चलो अपना यहाँ से प्लेन अपना इधर ही है, मुझे लगा भाई कोई चोरी करके ना ले गया होगा, मतलब वैसे प्राइवेट है तो कोई हाथ नहीं लगाएगा ना, समझ रहे हो भाई, लाइसेंस वगैरह सब है अपने पास भाई, समझ रहे हो, कोई चोरी का माल नहीं, इलीगल नहीं, वरना अभी तक तो उठ जाता। तो चलो यार फटाफट से इधर से भाई, बहुत शांत माहौल है यार लिबर्टी सिटी के एयरपोर्ट में, वरना लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट में ना भाई आते एयरोप्लेन दिखते हर टाइम, वैसे लिबर्टी सिटी ना भाई चलो यार बीसी शहर है, मतलब क्या ही लोग ज़्यादा मतलब ट्रैवल करते कार्स वगैरह से, मैं देखा इतनी ट्रैफिक है ना। चलो यार अभी फटाफट से भाई अपना जो प्लेन है उसे भाई पलटाते और निकलते अपने भाई साहब लॉस सैंटोस में, अभी भाई टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और ये बंदे को मैंने सब समझा दिया भाई, भाई शांत रहना, जो बोले यस और नो ही करना भाई, मतलब जैसे डगन बॉस करता है ना वैसे भाई, तुझे पता ही होगा। तो ये कह रहा है कि तू टेंशन मत ले भाई, डगन बॉस का भाई मैं बहुत काम कर चुका हूँ ऐसे, मतलब क्या ही बोलूँ। ये कह रहा है कि भाई जो डगन बॉस है ना भाई वो भी रियल नहीं हो सकता है, मतलब समझ रही भाई क्या कह रहा है, ये प्लान वगैरह किसने किया है फिर भाई। चलो यार फटाफट से लॉस एंटर्स की और चलते। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पे, सैंडी एयरपोर्ट, और यहाँ पे फटाफट से उतरते हैं। और गाइस एक सेकंड, ये सामने कौन है भाई, भाई एक सेकंड, ये सामने, मैंने उसको वैसे बोल दिया था हम आ रहे हैं सैंडी एयरपोर्ट पे, वैसे चैटिंग चल रही थी, ये बंदा ईगल का बच्चा एयरपोर्ट पे आ गया हमें उतारने के लिए, मतलब लेने के लिए। भाई साहब गाइस क्या सीन है भाई, भाई थोड़ा रुक तो जाता, हम लोग खुद आते तेरे पास भाई, ये बंदा खुद एयरपोर्ट पे चल के आ चुका है भाई, पता नहीं अब क्या होने वाला है गाइस। चलो यार अभी